नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उवरेदी। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में कई ऐसी प्रथाएं हैं जो कई मायनों में दाखियानूसी हैं, और ऐसी ही एक और प्रथा है बाल विवाह की। कई सालों से भारत में बाल विवाह होते आ रहे हैं, लेकिन सरकार इनको रोकने की पूरी कोशिश करती है। ऐसा ही एक और मामला सामने आ रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से, जहां पुलिस एक बाल विवाह रोकने में कामयाब रही। पूरा मामला कुछ ऐसा है कि पिथौरागढ़ की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सूचना मिली थी कि पिथौरागढ़ के पपदेव गांव में कुछ लोग हिमाचल से आए हुए हैं, जो गांव की ही एक लड़की से अपने लड़के की शादी करवाने आए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेश अनुसार प्रभारी उप निरीक्षक प्रवीण सिंह के नेतृत्व में टीम चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के साथ पपदेव गांव पहुंची, और जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां सगाई चल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने लड़के और लड़की का प्रमाण पत्र मांगा तो पाया गया कि लड़का और लड़की दोनों ही 18 साल से कम उम्र के हैं। जिसके बाद पूछताछ में दोनों परिवारों ने बताया कि वो नेपाल के बजाएंग गांव निवासी हैं, और 15 साल पहले लड़की वाले पिथौरागढ़ तो लड़के वाले हिमाचल में आए थे। जिसके बाद पुलिस ने उनकी काउंसलिंग करी और बताया कि बाल विवाह एक अपराध है, जिसके बाद दोनों ही परिवार ने अपनी गलती स्वीकार की और ये आश्वासन दिया कि वो अब इन दोनों की शादी बालिग होने के बाद ही करवाएंगे। इसके संबंध में उनके द्वारा प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। तो फिलहाल अभी के लिए हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।